नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टैलेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है मालिश यानी मसाज। यह न सिर्फ सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, बल्कि यह एक विज्ञान है, स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। मालिश से हमें चुस्ती स्फूर्ति मिलती है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, तनाव कम होता है, मन शांत और प्रसन्न रहता है। हमारे शरीर के लिए व्यायाम जितना आवश्यक है, उतने ही आवश्यक शरीर की मालिश भी है। आज के इस विषय को हम आगे ले जाते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आएगा, इस आशा के साथ धन्यवाद। कैसे शरीर की मालिश करें? पूरे शरीर को एक अच्छी और आराम देने वाली मसाज करना आना अपने आप में एक बढ़िया हुनर है। इसका उपयोग करके आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आरामदायक और चिंता मुक्त कर सकते हैं। लोगों को उनकी थकान और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं, या ऐसा करके आप अपने साथी के साथ अंतरंग और रोमांटिक हो सकते हैं। पूरे शरीर को एक बढ़िया सी मसाज देना मुश्किल नहीं है। इसके लिए बस थोड़ी सी तैयारी और कुछ बातों को जानने की जरूरत है। सारांश: एक, कमरे को आरामदायक बनाएं। दूसरा, मसाज ऑयल यूज करें। तीसरा, तलवों से शुरू करें और पैरों में ऊपर की तरफ जाए। चौथा, पीठ में नीचे से ऊपर की तरफ जाए। पांचवा, पहले गर्दन और पीठ करें, फिर हाथों और बाजुओं की मालिश करें। छठा, सिर की मालिश से खत्म करें। विधि एक, एक आरामदायक माहौल तैयार करें। पहला, यह सुनिश्चित करें कि कमरा आरामदायक हो। पहले यह सुनिश्चित कर ले कि जिस कमरे में मसाज करनी है वो आरामदायक हो, क्योंकि मसाज करने के दौरान किसी भी समय यदि आपके साथी या अन्य किसी को जिसकी मसाज करनी है उसे आरामदायक नहीं लग रहा है, तो वो मसाज का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाएगा। यह ध्यान रहे कि सोफा, पलंग, सॉफ्ट रग और या मसाज करने के लिए उपयोग होने वाली टेबल, जहां भी वो लेटे वो जगह आरामदायक होनी चाहिए। उस जगह को मुलायम तौलिए से ढक दे ताकि वो साफ रहे और उस पर तेल भी ना लगे। यह सुनिश्चित करे कि कमरा अच्छा और गर्म हो। यह ध्यान रखे कि आपका साथी या जिसकी भी मसाज करनी है वो मसाज के दौरान कुछ समय के लिए शरीर के सभी हिस्सों में कपड़े नहीं पहनेंगे, तो उस समय आप नहीं चाहेंगे कि उन्हें ठंड लगे। अगर जरूरत पड़े तो रूम हीटर का प्रयोग करें। यह सुनिश्चित करे कि आप जिस कमरे में मसाज करने वाले हैं वो निजी कमरा हो, जिससे आपको वहाँ दूसरे लोग, बच्चे या जानवर कोई भी मसाज करने के दौरान परेशान ना करें। दूसरा, कुछ मोमबत्तियाँ जलाएं। मोमबत्तियाँ जलाने से आरामदायक महसूस होता है, इसलिए कमरे में कुछ मोमबत्तियाँ जलाना एक अच्छा आइडिया है। यदि संभव हो तो सब लाइट को धीमा या कम करके जलाएं, या तो पूरी तरह से बंद करके सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी में ही काम करें। जिसकी मसाज कर रहे हैं उसे मसाज करने के दौरान इतना आराम महसूस होना चाहिए कि मसाज करने के समय अंत में उन्हें नींद आ जाए, तो इसके लिए भी थोड़ा अंधेरा रहे तो ठीक रहेगा। ऐसी मोमबत्तियों का उपयोग करें जिससे कि आरामदायक खुशबू आए, जैसे कि लेवेंडर या सी बीज, जिससे कि पूरे समय अच्छा एहसास हो। तीसरा, आरामदायक संगीत चलाएं। मसाज करने के माहौल को और ज्यादा शांति देने वाला और आरामदायक बनाने के लिए अच्छा सा संगीत चलाएं। मधुर शास्त्रीय संगीत या कोई संगीत का प्राकृतिक रूप दोनों ही अच्छे विकल्प है। यदि संभव हो तो आपके साथी या अन्य कोई जिसकी मसाज करनी है उसकी पसंद का संगीत बजाएं। ध्यान रखें कि मसाज उनके लिए है, न कि आपके लिए, इसलिए आपको उनकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। बहुत तेज संगीत न चलाएं,
संगीत बैकग्राउंड में धीमे से बजना चाहिए। इससे मसाज में आनंद आना चाहिए, न कि आनंद खत्म होना चाहिए। चौथा, मसाज के लिए तेल का प्रयोग करें। मसाज में तेल का उपयोग करना आवश्यक है। इससे आपके हाथों को आपकी त्वचा पर अच्छे से चलाने में मदद मिलती है। इससे आपके साथ ही या जिसके भी मसाज करना है उसे किसी भी तरह का खिंचाव, तनाव या दर्द महसूस नहीं होगा। बाजार में दुकानों में बहुत से प्रकार के फैंसी महंगे तेल उपलब्ध होते हैं, लेकिन कोई भी प्राकृतिक तेल भी इसके लिए अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी रसोई में आपके पास सूरजमुखी या अंगूर के बीज का तेल हो तो आप मसाज के लिए उनका भी उपयोग कर सकते हैं। बादाम के तेल भी बहुत प्रभावकारी होते हैं और उनकी खुशबू भी अच्छी होती है। आप अपने मसाज वाले तेल में एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। आपको शुद्ध एसेंशियल तेल का ही उपयोग करना चाहिए, न कि केमिकल युक्त खुशबू वाले तेल। सावधान रहे, क्योंकि एसेंशियल ऑयल रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, इसलिए ध्यान से चुनें। सौम्य तेल जैसे कि लेवेंडर या संतरे को चुनें। यदि आपके साथी या जिसके भी मसाज करनी है, यदि वो माँ बनने वाली है या उसके साथ कोई खास मेडिकल कंडीशन है, तो ऐसे में आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। तेल और अपने हाथों को मसाज करने से पहले थोड़ा गर्म कर ले। ठंडा तेल और ठंडे हाथ आरामदायक मसाज करने के लिए अनुकूल नहीं होते। 5, आपके हाथ के पास बहुत सारे तौलिए होने चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ के पास नए साफ तौलिए होने चाहिए, ताकि मसाज करते समय उन्हें उपयोग कर सके। पहले तो आप जिस जगह पर मसाज कर रहे हैं उसे तौलिए से ढके, ताकि उस पर तेल न लगे। और दूसरी बात, आपको तौलिए की जरूरत अपने साथी या जिसकी भी मसाज करनी है उसे ढकने के लिए पड़ेगी। अच्छे से ज्यादा हिस्से में मसाज हो सके, इसके लिए उन्हें अपने शरीर से कपड़े कम करना होगा। तब आपको उन्हें तौलियों से ढकना होगा और इससे उन्हें गर्मी भी मिलेगी। और तीसरी बात, आपको मसाज के दौरान और मसाज के बाद में अपने हाथों से अत्यधिक तेल हटाने के लिए तौलिए की जरूरत पड़ेगी। विधि दूसरी, मसाज करने की सही विधि को जाने। 1, पैरों से शुरुआत करें। अपने हाथ से पैरों के तलवों की मसाज करना शुरू करें और अंगूठे को दबाने के लिए उपयोग करें। पैरों के आर्क पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस जगह पर ज्यादा तनाव होता है। लेकिन एड़ियों और पैरों की बाल पर भी मसाज करें। जब आप अंगुलियों की मसाज करें तो हर अंगुलियों को पकड़े और धीरे से खींचे। ऐसा करने से इनमें कोई तनाव हो तो दूर हो जाता है। इस बात में सावधानी रखें, क्योंकि सभी लोग अपने पैरों को किसी और को छूने देना पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोग इस बात से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसलिए अपने साथी या जिसकी भी मसाज करनी है उसके पैरों को छूने से पहले उनसे पूछ ले। 2, पैरों पर ही काम करते हुए आगे बढ़े। जब पैरों के पंजे वाले हिस्से की मसाज हो जाए तो पैरों के पीछे की तरफ बढ़े। हर पैर को अच्छे से समय देकर पिंडली से लेकर जांघ के ऊपर के हिस्से तक लंबे और आरामदायक स्ट्रोक दे। दोनों हाथों से हल्के से दबाव दे। त्वचा को स्मूथली स्ट्रेच करें। इस तकनीक को अपफ्लोरेज मसाज करते समय थपथपाना कहते हैं, और ऐसा करने से मसाज करने में आसानी होती है। फिर जिस पैर पर आप काम नहीं कर रहे हैं उसे तौलिए से ढक दे और एक पैर की पिंडली पर मसाज करने पर ध्यान दे। पिंडली पर गूंथने वाली विधि का प्रयोग करें, जैसे कि आटा गूंथते समय करते हैं। जांघ की तरफ आगे बढ़े और यहां पर भी गूंथने वाली विधि का प्रयोग करें। फिर हथेली से त्वचा को दबाए और बहुत धीरे से उसे जांघ पर चलाए। आपको हमेशा दिल के और की दिशा में चलाना चाहिए। जिस पैर पर काम कर चुके हैं उसे तौलिए से ढक दे, ताकि गर्मी बनी रहे, और इसी तरह से दूसरे पैर की भी मसाज करें। 3, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े।
ऊपर बताई गई एफ्लोरेज तकनीक का प्रयोग करें। लंबे और कोमल स्ट्रोक करते हुए ग्लूट्स के ऊपर से गले के आधार तक मसाज करें। प्रत्येक हथेली को रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ की जगह पर रखें और ऊपर की तरफ काम करते हुए आगे बढ़े। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के समांतर रखें। जब आप पीठ पर ऊपर की ओर बढ़ जाए तो अपने हाथों से पंखे की तरह कंधे पर बाहर की तरफ काम करें, जैसे कि दिल के ऊपर वाले हिस्से के जैसा आकार बना रहे हैं। पीठ पर वापस नीचे की तरफ बढ़े और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर की मांसपेशियों पर गूंथने वाली विधि का प्रयोग करें। इन जगहों पर बहुत तनाव होता है तो इन जगहों पर ज्यादा समय दे। अगले चरण में दबाव देकर आराम से छोड़ने वाली तकनीक का ऊपर जाते हुए प्रयोग करें। इसमें अपनी अंगुलियों की टिप से पीठ पर दबाव दे और जल्दी से छोड़े। जब दबाव देकर छोड़ेंगे तो आपके साथी या जिसकी मसाज कर रहे हैं उनका दिमाग बहुत सारे सुखद एहसास कराने वाले रसायन छोड़ेगा। ऐसा करते हुए जब आप पीठ पर आगे की तरफ बढ़े तो जिसकी मसाज कर रहे हैं उसे अपनी कोहनी के बल पर आने के लिए कहे, ताकि कंधे पर अच्छे से मसाज हो सके। इससे कंधे के मांसपेशियों की मसाज अच्छे से हो जाएगी, जहां पर की बहुत तनाव और गठाने होती है। गठनों पर जहां परेशानी हो वहां बार बार अपने अंगूठे या एक अंगुली से दबाए और छोड़े। चौथा, गर्दन और कंधे पर मसाज करें। जब आपने कंधे पर मसाज कर ली है तो फिर गर्दन के आसपास प्रेस और रिलीज तकनीक का प्रयोग करके सभी जगह सिर पर बालों की लाइन शुरू होने तक मसाज करें। अपने हाथों को रीढ़ की हड्डी के गर्दन में रखें। क्लासिक मसाज की स्थिति में कंधे पर हाथ रखें और कंधे की मांसपेशियों पर अंगूठे से आठा गूंथने वाली विधि को करें। पकड़ने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करें, लेकिन उन्हें कॉलर बाउंड की तरफ न दबाएं, इससे दर्द हो सकता है। अब जिसकी मसाज कर रहे हैं घूमकर उसके सामने सिर की तरफ आए, ताकि उनके कंधे आपकी तरफ हो। फिर प्रत्येक हाथ से एक मुट्ठी बनाए, पौरों से कंधे के ऊपर की ओर आराम से दबाए, इससे तनाव दूर होगा। अब अपने अंगूठे से कंधे के ऊपर की तरफ और गर्दन के पीछे की तरफ प्रेस और रिलीज करें। पांचवा, हाथों और भुजाओं की मसाज करें। जब कंधे और गर्दन की मसाज हो गई हो तो बाजुओं पर काम शुरू करें। एक समय पर एक ही हाथ की मसाज करें। जिसकी भी मसाज करनी उसकी कलाई को अपने उल्टे हाथ में पकड़ें, ताकि उनका पूरा हाथ पलंग से उठा हुआ रहे। फिर अपने सीधे हाथ से बाजुओं के पीछे की ओर ट्राइसेप और कंधे पर घुमाएं और उल्टी तरफ वापस आए। अब अपने हाथ को बदलकर उनकी कलाई को अपने सीधे हाथ से पकड़ें, फिर अपने बाएं हाथ से उनके बाजुओं और बाइसेप, फिर कंधे पर और उल्टे तरफ मसाज करते हुए नीचे बढ़ते जाएं। फिर जिसकी मसाज कर रहे हैं उसका हाथ वापस पलंग पर रख दे। अपनी अंगुली और अंगूठे का उपयोग करके बाजू और हाथ के ऊपर की तरफ आराम से, जैसे आटा गूंथने के समय करते हैं वैसे मसाज करें। हाथों पर मसाज करने के लिए उनके हाथ को अपने हाथ में ले और उनकी हथेली को अपने अंगूठे से गोल घुमाते हुए मसाज करें। फिर एक एक अंगुली को लेकर अंदर की तरफ घुमाएं और पौर से नाखून तक स्लाइड करें। हर अंगुली को धीरे से खींचे, लेकिन इतना तेज न खींचे कि टूट जाए। छठा, सिर पर मसाज करके खत्म करें। जिसकी मसाज कर रहे हैं उसे ऊपर खिसकने के लिए कहे, ताकि आप उनके लिए उनके सिर और चेहरे पर काम कर सके। उन्हें थोड़ा सा समय दे ताकि वो अपने तौलिए को सही कर सके। अपने अंगूठे का प्रयोग करके स्कैल्प के ऊपर धीरे से मसाज करें। और अधिक आनंद के लिए अपने नाखूनों से थोड़ा सा दबाव दें। अगले चरण में कान की सिलवटों और लोब में अपनी तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच से मसाज करें,
फिर अपने अंगुली के पावर को चिकबोन और नोट पर चलाए, जिसकी मसाज कर रहे हैं उसके सिर के नीचे अपना हाथ रखे ताकि वो पलंग से थोड़ा ऊपर उठ जाए। अपनी अंगुली का उपयोग करके गर्दन और स्कल के आधार के मिलने की जो जगह होती है उसे ढूंढे और अपनी अंगुलियों से हल्का सा दबाव और छोड़े, ऐसा बार बार दोहराए। अपने हाथ को जबड़े के नीचे रखकर सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाए ताकि गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव हो। अब धीरे से सिर के बीच में माथे पर अपनी अंगुलियों से दबाए और छोड़े, ऐसा 30 सेकंड तक दोहराते रहे। अपनी अंगुलियों के पौर से ट्रेम्पल की मसाज धीरे धीरे गोल घुमाते हुए करें। ट्रेम्पल एक्यूप्रेशर में महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिससे कि तनाव दूर करने में मदद मिलती है। विधि तीसरी, मसाज को परफेक्ट बनाए। पहला, धीरे से आराम से काम करें। कभी भी मसाज करने में जल्दी ना करें। ये आपके साथी या जिसकी भी मसाज कर रहे हैं उसके लिए लग्जरी और आरामदायक अनुभव होना चाहिए। शरीर के हर भाग को अच्छे से समझ दें, अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं और आपके स्ट्रोक लंबे, स्मूथ और आराम से हो। दूसरा, पूरे समय अपने हाथों को त्वचा के संपर्क में रखें। जिसकी भी आप मसाज कर रहे हैं, मसाज के दौरान पूरे समय आपके हाथ उनकी त्वचा के संपर्क में होना चाहिए। इससे मसाज में गति बनी रहेगी और आरामदायक महसूस होता रहेगा। जब आपको तौलिया पकड़ने की जरूरत हो या पानी पीना हो या मसाज करते समय और तेल की जरूरत हो, तब भी एक हाथ को पूरे समय त्वचा पर ही रहने दें। तीसरा, बातचीत करें। मसाज के समय बातें करना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको सही लगे वो किसी और को भी सही लगे, इसलिए यह जरूरी है कि आप उनसे पूछें कि उन्हें कैसे लग रहा है और सच में उनके जवाब को ध्यान में रखते हुए काम करें। उनसे पूछें कि दबाव देने पर उन्हें कैसा लग रहा है, वो कहां पर आपसे काम कराना चाहते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा आनंद कब मिला। जब भी बात करें एक धीमी और खुश करने वाली आवाज में बोले ताकि शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। चौथा, गठानों पर ज्यादा ध्यान दें। यदि जिसकी आप मसाज कर रहे हैं उसकी पीठ पर ज्यादा गठान हो तो उन पर ज्यादा ध्यान देकर काम करें और उन्हें रिलीज करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा करने से पहले जिसकी मसाज कर रहे हैं उससे पूछ ले, क्योंकि कुछ लोगों की गठानों में दर्द हो सकता है, इसलिए ऐसा करके उनकी आरामदायक मसाज को खराब ना करें। गठान बड़ी सी गोल आकार में टाइट सी होती है और यह त्वचा के नीचे छोटे से मटर के दाने की तरह महसूस होती है। कोशिश करें गठान के ऊपर की तरफ पहुंचे, नहीं तो वो आपकी अंगुलियों से खिसक जाएगी। गठान पर बढ़ता हुआ दबाव दे, फिर अपनी अंगुली या अंगूठे को घुमाएं और इसे अंडू करने की कोशिश करें। अच्छे से काम करने के लिए इसे उल्टी दिशा में घुमाएं। ज्यादा गहराई से टिश्यू पर काम करने की कोशिश न करें। ऐसा मसाज के थेरेपिस्ट को करने के लिए छोड़ दें। जिसकी मसाज कर रहे हैं उसको आराम मिले बस उतना ही काम करें। पांचवा, रीढ़ की हड्डी और अन्य हड्डियों पर मसाज न करें। रीढ़ की हड्डी और अन्य हड्डियों को दबाए नहीं, इससे आप जिसकी मसाज कर रहे हैं उसे असहज महसूस होगा और इससे फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। इसके बजाय आपको मांसपेशियों पर काम करना है, क्योंकि यही वो है जहां ज्यादा तनाव होता है। मांसपेशियों की ही मसाज करें, आप गलत नहीं करेंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में शेयर अवश्य करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव लिखना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर नए एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब खुश रहे, निरोगी रहे, धन्यवाद।